दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली अपने घर में बैठकर शॉन के लिए ऑनलाइन कपड़े खरीद रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और गुल्ली बुल्ली बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ शॉन के मामा आए हुए थे। शॉन के मामा गुल्ली और बुल्ली को बताते हैं कि शॉन एक घंटे से गायब है गुल्ली बुल्ली, और वो तुम्हारे ही घर आने के लिए निकला था। गुल्ली कहता है कि चलिए मामा जी, हम लोग बाहर चलकर देखते हैं गाड़ी से, पक्का शॉन कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा। और ये लोग शॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इन्हें रास्ते में शॉन की स्कूटर दिखाई देती है। और तभी ये लोग वहाँ देखते हैं कि एक घर है, और तभी वो लोग वहीं उस पास वाले घर के अंदर जाने लगते हैं। और वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ लटकाया गया है, और तभी शॉन के मामा को कोई मार देता है। और अरे, ये तो मिस्टर मीट है, यानी ये सब मिस्टर मीट का किया धरा है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और अरे, ये क्या, ये तो गुल्ली ने मिस्टर मीट पर हमला कर दिया और मिस्टर मीट अब बेहोश हो चुका है। गुल्ली कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए बुल्ली, क्या पता कब ये मिस्टर मीट दोबारा जाग जाए, यही मौका है हमारे पास निकलने का। बुल्ली कहता है कि गुल्ली वो तो ठीक है, लेकिन बिना शॉन को लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। गुल्ली कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ बुल्ली, और शॉन को होश में लेकर आते हैं और फिर यहाँ से तुरंत निकल चलते हैं। बुल्ली कहता है कि लेकिन गुल्ली, ये तो हम भूल ही गए कि बेचारे शॉन के मामा आज मारे गए, क्या करें हम इनका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए, हम दोनों में से कोई इनको बचा नहीं सका। गुल्ली कहते कि हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा है बुल्ली, लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मिस्टर मीट ने अचानक से आकर इनको मार दिया और शॉन के मामा हमारे पीछे थे तो हम देख नहीं पाए, अब हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत शॉन को लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और ये लोग शॉन को होश में लेकर आते हैं और शॉन अपने मामा को देखकर कहता है कि ये तो मेरे मामा हैं गुल्ली बुल्ली, इन्हें क्या हो गया, किसने मारा इनको। बुल्ली कहता है कि उस मिस्टर मीट ने मारा है इनको शॉन, लेकिन अभी चलो हमें इनको लेकर बाबा के पास चलना चाहिए, अभी बाबा ही इसका कुछ इलाज कर पाएंगे। लेकिन अरे, इधर तो लगता है मिस्टर मीट को होश आ रहा है। ये देखते ही ये लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं और मिस्टर मीट को अब होश आ चुका है। और मिस्टर मीट देखता है कि आसपास में कोई नहीं है, बस वही आदमी है जिसको उसने मारा था। शॉन कहता है कि मामा को तो लाना भूल ही गए गुल्ली बुल्ली, मैं लेकर आता हूं अभी। गुल्ली कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या शॉन, वो मिस्टर मीट पुराना वाला मिस्टर मीट नहीं है, मुझे ये कोई अलग लगता है, पुराना वाला ऐसा नहीं दिखता था। और अरे, ये मिस्टर मीट शॉन के मामा को बड़े ध्यान से देख रहा है, और अरे, ये तो शॉन के मामा भी जिंदा हैं। ये क्या, ये मिस्टर मीट तो बहुत खतरनाक है, इसको तो किसी हथियार की जरूरत ही नहीं है, इसकी पावर को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन एकदम से डर चुके हैं। और अरे, ये तो एक गुफा है, गुल्ली बुल्ली और शॉन बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। और अरे, गुफा के अंदर तो ट्रेन की पटरियां हैं। बुल्ली कहता है कि लगता है ये जगह पहले ट्रेन के लिए सुरंग थी और बाद में इसे बंद कर दिया गया होगा। शॉन कहता है कि वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहां पर एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई है पटरी पर, आओ इसी पर बैठकर हम आगे चलते हैं। ये देखो, यहां पर एक बटन है। और अरे, ये तो सही में ये सवारी आगे चलने लगी। गुल्ली बुल्ली और शॉन को ये जगह थोड़ी डरावनी भी लग रही है,
बुल्ली कहता है कि पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये जगह तो ख़त्म ही नहीं होगी लगता है। गुल्ली कहता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बुल्ली, यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। तभी इन्हें अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अरे ये तो मिस्टर मीट है और ये इनकी तरफ वैसी ही गाड़ी में आ रहा है, लगता है इसने इन लोगों को गुफा के अंदर जाते हुए देख लिया था। गुल्ली कहता है कि अब क्या करें बुल्ली, ये मिस्टर मीट तो हमारे पीछे ही आ रहा है। बुल्ली कहता है कि शॉन तुरंत गाड़ी रोको, चलो अब इससे लड़ने का समय आ गया है, और शॉन वहीं गाड़ी रोक देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों आमने सामने। बुल्ली मिस्टर मीट को मारने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। अरे ये तो बुल्ली ने सच में मिस्टर मीट को मार दिया। शॉन कहता है कि मारो बुल्ली और मारो इसको, इसने मुझे पहले रास्ते से उठा लिया था और उल्टा लटका दिया था मुझे, और इसने मेरे मामा जी को भी मार दिया है, अब इसको तुम मार डालो बुल्ली, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अरे ये क्या, बुल्ली के सामने ये कौन आ गया है? अरे ये तो इनका दोस्त रॉड लगता है, और रॉड तो गुल्ली बुल्ली का बहुत अच्छा दोस्त है। शॉन कहता है कि ये तो अपना रॉड है गुल्ली बुल्ली, रुको मैं रॉड से मिल कर आता हूँ। लेकिन अरे ये रॉड के पीछे से भी कोई आ रहा है। गुल्ली कहता है कि ये अपना रॉड नहीं हो सकता शॉन, ध्यान से देखो इसको, ये बहुत डरावना राक्षस लग रहा है, अपना रॉड ऐसा नहीं दिखता। और दोस्तों क्या आप ये बता सकते हो कि ये नकली रॉड के साथ में कौन खड़ा हुआ है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, क्या बुल्ली ने सच में मिस्टर मीट को मार दिया है, और ये रॉड असली है या नकली? अब गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ में क्या होने वाला है, क्या ये लोग इस सुरंग से निकल पाएंगे? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 3 देखना होगा। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसे देख सकें सबसे पहले।